महाराष्ट्र के किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में हो रही बेमौसम बारिश के कारण खेतों में लगी फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। खरीफ सीजन की फसल सड़ गई है। बदलते वातावरण के कारण राज्य के कई जिलों में किसान परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय फसलों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इस कारण भी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से कई जिलों में नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान नासिक जिले में प्याज की फसलों को हुआ है। बेमौसम बारिश में न केवल प्याज की फसल खराब हुई है, बल्कि कपास की फसलों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस पर किसानों का कहना है कि प्याज की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से तो कभी दाम ना मिलने की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि प्रति एकड़ प्याज की लागत 70 से 80 हजार रुपए आती है। यदि नर्सरी खरीदनी हो तो इसमें और वृद्धि हो जाती है, लेकिन बाढ़, बारिश और ओले पड़ने की वजह से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना चाहिए। ऊपर में प्याज किसानों को दाम की कोई गारंटी नहीं है। भारत दिगोले का कहना है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 1, 2 और 3 दिसंबर को भारी बारिश हुई थी। इसके बाद 28 दिसंबर को अहमदनगर, औरंगाबाद और नासिक जिले में बेमौसम बारिश हुई और ओले पड़े। इसकी वजह से खरीफ सीजन का प्याज खराब हो गया। जब प्याज खेत से निकाला जाता है तो कम से कम 15 दिन पहले से उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भारी बारिश हुई है जिसमें काफी प्याज सड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।